এবং আমি দেখে দেখে পুরাতন ভিডিওগুলো খুঁজে বের করি। কাইকে পান বানালাসওয়ালা নিশ্চয় অসম একটা টেস্ট ছিল, যে কারণে হচ্ছে 4 ঘন্টার জন্য পাঁচ বার আসছে ভোর সকালে এবং 22 বছর ধরে এটা মাংসের মতো রান্না করলে খুবই মজাদার। স্বাগতম সবাইকে বিচার রিয়াকশনে। আমরা অনেকদিন পর আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়ে গেলাম নতুন আরেকটি ভিডিও দেখার জন্য। অ্যাকচুয়ালি নতুন না, একটা ট্রাভেল ভিডিও দেখবো। আমি দেখে দেখে পুরাতন ভিডিওগুলো খুঁজে বের করি, কেন জানি আমার নতুন ভিডিওগুলো মনে হয় আছে, সবাই দেখে শেষ করুক তারপর আমি শেয়ার করি, সেই জন্যই হয়তো বা পুরাতন ভিডিওগুলোকে আমি রিপিট করি। এরকম হলে কিন্তু দর্শকরা তোমার ভিডিও দেখবে না। হ্যাঁ তাই তো, অনেকে কিন্তু কমেন্টস করে বলে দিয়েছে অলরেডি যে আমরা সবসময় পুরনো ভিডিওতে কথা না, আমরা এখন থেকে আসলে রিসেন্ট ভিডিওগুলোতে চেষ্টা করব রিভিউ দেওয়ার জন্য। কিন্তু রিসেন্ট ভিডিও করার জন্য আসলে আমাদেরকে ভিডিওগুলো রেগুলার করতে হবে। আমরা আসলে দেখা গেছে যে পার্সোনাল লাইফে আমরা আসলে জব করি, তো তারপরে প্রতিদিন ভিডিও শুট করাটা আমাদের জন্য অনেকটা কঠিন হয়ে যায়। তো আমরা আজকে যে ভিডিওটি দেখব সেই ভিডিওটি টাইটেলটি হচ্ছে আগার বানারসি যা রাহি হে তো ইহা খানা জরুর খাইয়ে ওকে প্লাস ওয়ার্ল্ডস স্মলেস্ট কাচুরি পার্ট 1। এখন কি খাবে সেটা তো ভিডিওতে দেখা যাবে, এটা একটা ট্রাভেল ভিডিও। আর এই ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে ইউটিউব চ্যানেল সোয়াদ অফিসিয়াল থেকে। আর সোয়াদ অফিসিয়ালের এই যে ভিডিওটি, এই ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ইউটিউবের নিচে যে ডিসক্রিপশন আছে সেখানে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে সেখান থেকেও অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে বানারস ঘুরে আসি। সূর্য উঠছে, নৌকা চলছে, এই ছেলেটাই সম্ভবত সোয়াদ হতে পারে। বানারস মানে হচ্ছে এই নদী দেখানো হবে, তাই না? আমার কাছে মনে হয় কিছুটা ভ্যানিস টাইপ নদীর সাইডে। আর হামনে ইয়াহাঁ পে এক্সপ্লোর কিয়া টপ 5 থিংস জো কি আপকো বানারস জাকে জরুর ট্রাই করনি চাহিয়ে। শুরুআত হামনে কি উত্তপম সে জিসমে ইতনি সারি মাত্রা মে মক্খন ডালা জাতা হ্যায় কি দেখতে হি হুয়ে পানি আ জাতা হ্যায়। उसके बाद हमने छोटी वाली कचौड़ी खाई, उसके बाद हम गए द मोस्ट फेमस लक्ष्मी चाय वाला के पास। यहाँ पे हमने खाया जी मलाई ब्रेड और साथ में पी गर्मा गर्म चाय। उसके बाद हम गए कबाब परांठे वाले के पास और ये 100% प्योर वेजिटेरियन कबाब सर्व किया जाता है, एकदम सिका हुआ परांठा। और भाई अगर हम बनारस आए और पान ना खाएं तो भाई बनारस माफी नहीं करेंगे। खाए के पान बनारस वाले के पास जाके और खाया इनके हाथ से गिलोरी पान। आइए शुरू करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं टॉप 5 थिंग्स टू ट्राई इन वाराणसी। भाई आई थिंक मोर देन खाने से ज्यादा मैं ये देखने में एक्साइटेड था कि किस तरीके से यहाँ पे उत्तपम को बनाया जा रहा था। और आपने देखा कितनी सारी मात्रा में अमूल बटर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप उत्तपम खाना चाहते हैं तो हम आपको एक जगह बताते हैं जो कि है इनकी, और आपको ये मिलेंगे बिल्कुल गांधी भंडार के सामने गोदलिया में। और ये बनाते हैं जी बहुत ही बढ़िया उत्तपम। कितनी सारी मात्रा में मक्खन डाला वो आपने देखा, कितना आपके मुंह में पानी आया वो मुझे बताए। तो अब मैं आपको खा के बताता हूँ कि किस तरीके का ये उत्तपम है और क्यों ये इतना ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा लाइट है और बहुत ज़्यादा बटरी है ऑफकोर्स, और सिर्फ इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मसाले के तौर पे आलू का इस्तेमाल नहीं होता, ना सांभर सब होता है, सिर्फ चटनी दी जाती है वो भी तड़के वाली कोकोनट की। आइए ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। भाई मेरे हिसाब से अगर आप एकदम तगड़ा वाला ब्रेकफास्ट खाना चाहते हैं ना तो भाई इनके पास आके खाइएगा। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये बैठते हैं और ऐसा उत्तपम मैं दावा कर सकता हूँ कि आपने अपनी लाइफ के अंदर तो शायद नहीं खाया होगा, और अगर खाया तो बताइएगा कमेंट में जाके कहाँ खाया। लवली लवली उत्तपम। और हमारी जो वाराणसी में टॉप 5 जगहों की तलाश है वो जारी रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वाराणसी को, लेकिन ये भाई एक नंबर था, मजा आ गया। भाई मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये जानी जाती है अपनी चना और कचौड़ी के लिए, कचौड़ी भी बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा बढ़िया ये इनकी दुकान है, पिछले 22 साल से इसी तरीके से दुकान के बाहर सुबह 6 बजे आ जाते हैं और 10:30 बजे तक अपनी ये कचौड़ी और चना बेचते हैं। पांच भाई ये दुकान को चलाते हैं, इनके पिताजी आज भी
कचौड़ी बनाते हैं, सुबह 4 बजे से लग जाते हैं और उसके बाद ये 5 भाई इस दुकान पे आके कचौड़ी और चने बेचते हैं। भाई आई थिंक ऐसी स्टोरी जो है ना वो आपको हमारे देश में ही मिल सकती है। और कि 5 भाई 4 घंटे की दुकानदारी करने के लिए लगते हैं और चना और कचौड़ी बेचते हैं। आइए जी इसका स्वाद लेते हैं और आपको बताते हैं। दरअसल ये जो आप पिछले 22 सालों से और ये ऐसे लौते हैं वाराणसी के अंदर जो कचौड़ी को कुल्लड़ में सर्व करते हैं। ऊपर से डालते हैं जी तरी, ऊपर से डालते हैं काले चने और साथ में मीठी वाली सॉल्ट। आइए खाते हैं और आपको इसका स्वाद बताते हैं। आई थिंक इसको खा के ना मुझे वो तरी पोहा की याद आ गई जो मैंने नागपुर में खाया था। वहाँ पर जो तरी सब होती है पोहे के ऊपर, बिल्कुल सिमिलर स्टाइल से यहाँ पे भी तरी सब होती है। काले चने वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी काले चने हैं। और जो कचौड़ी है ना भाई, बाहर से खस्ता है और अंदर से इतनी मुलायम है कि आप मुँह में रखेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो कचौड़ी जो है घुल गई। 4 छोटी कचौड़ी की पीसेस देते हैं, ऊपर से डालते हैं तरी, छोले और मीठी वाली चटनी। मात्र 20 रुपये की कीमत है। ये भी भैया हमारी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड है और आप भी जब भी बनारस आएँ इसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड करिएगा। इनकी दुकान है ये लगाते हैं जी इधर बांध फाटक के पास। मैं आपको लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 4 घंटे व्यवस्था करें, बताइएगा कि आपको हमारी रिकमेंडेशन कैसी लगी। आई थिंक ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है ये। सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक मिलेंगे आप। आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बनारस में हमारे लिए क्या है। आ जाइए हम आया जी बनारस की द मोस्ट फेमस चाय की दुकान लक्ष्मी चाय वाले के पास, जो कि पिछले 60-61 सालों से चाय बेचते हैं। और साथ में मैंने सुना इनका मलाई टोस्ट, इनका ब्रेड मक्खन और इनका एक सजेरियन टोस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। भैया बनारस में चाय के लिए तो लोग दीवाने हैं और हम भी आ गए हैं चाय पीने, साथ में कुछ खाने और आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करने। आइए चाय पीते हैं, खाते हैं और आपके साथ थोड़ी बातें करते हैं। यहाँ पे लोगों के पास टाइम बहुत है चाय की प्याली पे और बहुत ही बेहतरीन है। लक्ष्मी चाय भंडार पे जरूर जाके चाय पीजिए और इनका ये मलाई टोस्ट तो जरूर खाइए। चाय तो ऑफ कोर्स इनकी बहुत बढ़िया है ही है, साथ में इनका मलाई टोस्ट भी बहुत बढ़िया है। जो इनकी ब्रेड है वो दरअसल स्पेशल ऑर्डर पे बनाई जाती है और लक्ष्मी जी जिन्होंने इस दुकान की शुरुआत की थी आज से 60-61 साल पहले, उन्होंने इस ब्रेड को स्पेशली ऑर्डर पे बनवाया था और आज 60 साल हो गए हैं वैसे ये ब्रेड चलती आ रही है। ऊपर से ढेर सारी मलाई डाली जाती है, कंजूसी बिल्कुल नहीं होती है और ऊपर से डाली जाती है मिठास चीनी की। आइए इसको खाते और आपको बताते हैं। अगर आप बनारस आए हैं और बनारस आके अगर आप लक्ष्मी चाय भंडार पे आके ये मलाई टोस्ट नहीं खा के गए ना, यकीन मानिए आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इट इज वन थिंग जिसके लिए मैं हर हफ्ते बनारस आ सकता हूँ, ये इतनी ज्यादा यम है। करारी करारी ब्रेड है, ऊपर से मलाई है और ऊपर से वो चीनी का क्रंच एकदम परफेक्ट है। 60 रुपये इसकी कीमत है लेकिन टोटली वर्थ इट है। तो भाई मलाई टोस्ट भी खाएंगे, व्हाइट बटर ब्रेड भी खाएंगे, सुजेरियन टोस्ट भी खाएंगे और चाय भी पियेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, ये ज़रूर खा के जाइएगा ठीक है आपके लिए। देखिए बनारस में वैसे तो खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें जो है प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्होंने कुछ सालों के अंदर अपना नाम यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ ऐसी कौन सी चीज़ है तो वो है जी कबाब और पराठा। कबाब इस समय मौजूद है लंका में और BHU यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ती है और उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो शाम को लंका पे आ जाते हैं, रश लग जाता है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो खाने हैं वो मिलते हैं और लोग उसको इन्जॉय करते हैं और उनमें से एक है जी ये पराठा और ये कबाब। बहुत सारे लोग अब यहाँ पे पराठा और कबाब बेचते हैं, लेकिन एक दुकान जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ जो बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं खा रहा हूँ जी इनका कबाब और इनका पराठा। और इनका जो कबाब और पराठा है आप बिलीव नहीं करेंगे, मात्र 25 रुपये का है और साथ में सब होती है 2 तरीके की चटनी, एक हरी वाली और एक लाल वाली, साथ में प्याज है, मसाले हैं। तो ये जो कबाब है ना ये बड़े डिफरेंट है, वेजिटेरियन कबाब हैं और इसको बनाया जाता है जी सोयाबीन के साथ, साथ में डाली जाती है चने की दाल, बहुत सारे गर्म मसाले पड़ते हैं और उसके बाद इसको तवे पे सेक के आपको सर्व किया जाता है पराठे के साथ। आप चाहे इसको रोल की फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप चाहे इसको पराठे के साथ क्लब करके भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मैंने पहले खाया हुआ है, बट आपके लिए खा के आपको बताता हूँ कैसा इसका स्वाद है। देखिए अगर मैं बात करूँ कि परफेक्ट ब्रेकफास्ट की या फिर लंच की या फिर डिनर की, तो आई थिंक ये आपके लिए एकदम परफेक्ट और कम्प्लीट मील है। 25 रुपये मात्र इसकी कीमत है। अगर आप एक पराठा और एक कबाब खा लेंगे ना, आई थिंक आपका जो वो पेट भर जाएगा,
अगर आपकी डाइट मेरी तरह है, अगर आपकी डाइट ज़्यादा है तो आप बहुत आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं, लेकिन 25 रुपये के अंदर दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड ट्राई व्हेन यू आर इन बनारस, और इसको अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। मैं जब तक इन्जॉय करता हूँ अपना कबाब पराठा और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं बनारस में हमारे लिए इसके अलावा और क्या क्या है, पहले ये खा लेते हैं। मेरा नाम तो राजेंद्र चौरसिया है, दुकान को जो है मेरे पिताजी 1966 में स्थापित किए और तब से हम लोग उन्हीं के साथ जो है मिल करके इस दुकान को चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो है अब हम लोगों के पान जो तो पान की वैरायटी के मामले में जो मगही पान, देसी पान, साची पान और जगन्नाथी पान होता है जिसमें मगही पान होता है, और इन सब पानों को हम लोग जो तो यूज करते हैं और अपने जो तो पान से संबंधित जितने भी मटेरियल हैं उन सब चीज़ों को शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें कि किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य के हानिकारक चीज़ें ना उसमें केमिकलाइज हों, और यही वजह है कि हमारे पान के जो है सब जो है पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। और कुछ विशेष प्रकार के पान भी होते हैं हमारे यहाँ, जैसे जो है सरकार संगे छुपी मीठा पान है, मोदी दुर्गंध का पान है, और जो है तो जर्दा का पान है, और विशेष आग्रह पर जो है पान तोड़ पान होता है जो मैरिज लोग होते हैं शादी ब्याह करके आते हैं और पहली रात के लिए वह उसको यूज करते हैं। बनारस में पान को प्रथम रात पान ना कि पान को जो खाया जाता है और एकदम दिमाग कॉन्स्टेंट होकर के अपना वर्क अपना दिमाग बनाए हुए है। अब उसको पान को खा करके पान तो मिठाई की चीज़ें हैं नहीं, उसको मुंह में रखिए और रखने के बाद उसके खुशबू का स्वभाव लीजिए और वह जो तो धीरे धीरे खुशबू भीगेगा और आनंद मिलेगा, स्वभाव बनेगा और दिमाग एकदम मस्त हो जाएगा। तो भाई इन हाथों ने 1966 से लेके 2021 तक सिर्फ और सिर्फ पान ही बनाया है, और ये एक्सपीरियंस है जो हाथों में देख रहे हैं ना, ये है जी इनका एक्सपीरियंस एट केशव पान भंडार। तो जब भी आप बनारस आए ना इनसे मिलिएगा, इनके हाथ का और एक तो जो इसकी और खूब भाव लगता है जो अनेक पुरानो पुरानो दुकान वाला भी नहीं। देखिए भैया अगर आप बनारस आए और अगर आप बनारस आके बनारस का पान नहीं खाए ना तो बनारस वाले ही आपको माफ नहीं करेंगे, छोड़िए बाकियों की। और जैसे कि इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा कि देखिए जो पान है ना उसको ना खाया जाता है ना चबाया जाता है, बल्कि उसको मुँह में रख के एकदम घुलाया जाता है। और बनारस में आके इनके पास आके स्पेशली असल पान क्या होता है ना असल, वो आपको पता चलेगा। पान आपने बहुत खाए होंगे, बहुत सारी जगहों पे खाए होंगे, बहुत सारे लोगों के हाथों से खाए होंगे, लेकिन मैं ये एक पान ऐसा है कोनो खाओ है नहीं कि इनके जैसा पान रिजर्व में रख दिया अच्छा नाम है कि पान गिफ्ट फ्रिज में मिला हम खाओ है कमेंट्स में जाके। मेरा तो यही चैलेंज है कि कोई नहीं बना सकता। और इनके साथ गिलोरी पान भाई मुँह में रखते जैसे आपको एक नई जिंदगी, नया एहसास और एक रोशनी की किरण जो है ना वो जाग उठती है, बिल्कुल वैसा हो रहा है। और आपका मन ही नहीं करेगा कि आप का जो सलाइवा या जो फ्लेवर है ना पान का उसको आप स्पिट करें, क्योंकि ये कहते हैं जो एक बार अंदर चले जाता है ना वो फिर बाहर नहीं निकलता। अब उसका क्या मतलब है वो आप सोच सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पान था और आई थिंक इससे बेटर एक्सपीरियंस मेरे लिए हो नहीं सकता। और अगर आपको मेरी ये सीरीज़ जो है वो पसंद आई, बेस्ट प्लेसेस टू ईट इन वाराणसी, तो प्लीज़ जाके लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ऐसे स्वाद ऑप्शन को प्यार करते रहिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। भाई अगली बार हम आपको फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। मेरा जो पान है ना वो ना मैं खा रहा हूँ ना चबा रहा हूँ, बल्कि भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ओ जेटा बोलो वाराणसी ते आसछे मन जैसे আমরা বলি বেনারস, রাইট? এরকম বানারস, বানারস হ্যাঁ এরকমই বলা হয় অ্যাকচুয়ালি। আর এখানে পাস্তা ফুডের কথা তার বলার কথা ছিল, সে কি আসলে পাস্তা ফুডের কথা বলেছে কিনা আমি আসলে বুঝতে পারছি না, কারণ প্রথমে ছিল হচ্ছে যে মাখন দিয়ে যে খাবারটা বানাচ্ছিল, অনেকগুলো মাখন দিয়ে যে মানে বাটার দিয়ে রুটির মতো করে বানাচ্ছিল, ফুডটার নামটা মনে নেই। পাস্তা হয়েছে তো আমার কাছে মনে হয়, ওই ফুডটাও কিন্তু অসম ছিল। হ্যাঁ পরেটা কিন্তু কাচুরি দুইটা আর
তিন নম্বরটা হচ্ছে পরোটা, কাবাব পরোটা যেটা ছিল সেটা না, তিন নম্বরটা হচ্ছে যে চা এবং হচ্ছে ওখানে কিন্তু দুইটা খাবার লক্ষ্মী চা ঘর, এখানে হচ্ছে লক্ষ্মী চা ঘরের মধ্যে যে টোস্টটা ছিল, হ্যাঁ অসম টোস্ট। আমি এমনিতে এরকম যখন টোস্ট বানানো হয় আমি খেতে পছন্দ করি, বাট এইটা ডিফারেন্ট ছিল এবং তার টেস্ট দেখে যেমন হচ্ছে যে নিশ্চয়ই অসম একটা টেস্ট ছিল যে কারণে হচ্ছে। আর মালাই দিয়ে তো টোস্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে, এখন বলেছে কিন্তু মালাই কোনো কমতি নাই, ভরপুর মালাই থাকে এটা এটা মনে হচ্ছে খুবই সুস্বাদু হবে একটা খাবার। আর এখানে যেতেই বলেছে যে বানারসিতে যাবা, তারপরে তুমি ওই লক্ষ্মী চা ঘর যাবে, এবং প্রত্যেকটা দোকানে কিন্তু অনেক পুরাতন, যেমন হচ্ছে এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে অনেক পুরাতন দোকানগুলোকে উনি সবার সামনে কিন্তু আবার প্রেজেন্ট করেছে, কারণ অনেক সময় হয় যে অনেক পুরাতন দোকানে কিন্তু অনেকে যেতে চায় না, অনেকটা মনে করে যে এই দোকানগুলো এখন আর আগের মতো চলে না, অনেক কারণ অনেক লোকই অপছন্দ করে, অনেকে মনে করে যে আগের মতো ওটা কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স যেটা যেমন দেখাচ্ছিল পানের ঘরের ক্ষেত্রে। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে পাঁচ ভাই মিলে যে দোকানটা করছে, হ্যাঁ চার ঘন্টার জন্য পাঁচ ভাই আসছে ভোর সকালে এবং 22 বছর ধরে এই খিচুড়ি, হ্যাঁ চার ঘন্টা ধরে কাজ করছে, অবশ্যই তাদের এটা তৈরি করতেও নিশ্চয়ই সময় লাগছে, কিন্তু তাদের ব্যবসাটা কিন্তু মূল ব্যবসাটা চার ঘন্টায়, এটা কিন্তু আসলে চার ঘন্টায় তাদের সমস্ত কিছু কিন্তু শেষ হয়ে যায়, রান্না খাবার প্রচুর ভিড় থাকে, কিন্তু এত সকালবেলা এত ভিড় থাকবে এটা আসলে চিন্তা করা যায় না। আর আমার কিন্তু ভেজিটেবল কাবাবটা খুব মজা লেগেছে, কারণ আমি কিন্তু কখনো শুনিনি যে ভেজিটেবল দিয়ে কাবাব হতে পারে, সবসময় কাবাব মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রায় মানে মুরগির মাংস কিংবা অন্য পশুর মাংস দিয়ে হবে, কিন্তু এরকম কিন্তু হয়নি এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আমার কাছে মনে আছে যে আমরা একবার মনে হয় যে বিরিয়ানি খেয়েছিলাম, সেখানে কিন্তু সেম ছিল যে তোমার সরিষা দিয়ে, যেটা যেটাকে সরিষাকে আসলে মাংসের মতো, সরিষা না এটা সবিন বড়ি বলে আমাদের, ও ইয়েস ইয়েস সবিন বড়ি, হ্যাঁ তো এই সবিন বড়ি দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক সবজি রান্না করা যায়, মাংসের মতো রান্না করা যায়, সেটা দিয়ে হয়তো তারা কাবাবটা তৈরি করেছে, এবং এটা এমনিতেই আমার ভালো লাগে সবিন, তো এটা মাংসের মতো রান্না করলে খুবই মজাদার। আর পান নিয়ে তো কোনো কথা বলার নেই, কারণ পান নিয়ে তো গানই আছে আসলে বানারসের পান নিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ শাহরুখ খানের সেই গান, শাহরুখ খানের আগে অবশ্য এটা অমিতাভ বচ্চন জি গিয়েছেন, আর একটা হচ্ছে যে পান খেতে হবে না, পান মুখে দিয়ে এটাকে ফিল করতে হবে, এই জিনিস হচ্ছে এখানে মুখ্য বিষয়, পান মুখে দিয়ে ফিল করতে হবে। আর আমি আসলে পান টুকটাক মাঝে মধ্যে হয় অনুষ্ঠানে কখনো গেলে যদি কেউ অফার করে তখন খাই, বাট সেটা হচ্ছে আমি খাই, সেটাও আমি শিখেছি আমার দিদা দাদুর কাছ থেকে, কারণ তারা হচ্ছে যে সবসময় কিন্তু অনেক পান খেতে পছন্দ করে, এখনো তারা অনেক পান খায়, অনেক পান খায় এবং খুব জর্দা টর্দা দিয়ে খুব মশলা টসলা দিয়ে খায়, মজা করে পান, মজা করে পান খায়, তো সেটা থেকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি, মাঝে মধ্যেই ভালো লাগে, বাট এটা নেশার মতো কোনো কিছুই না। যাই হোক, ভিডিওটা ট্রাভেল ভিডিও ছিল এবং এটা একটা ফুড রিভিউ ভিডিও ছিল, ফুড রিভিউ ভিডিও ছিল, বাট আমার কাছে মনে হয়েছিল যে বেনারস যেতে যাচ্ছে সেহেতু নিশ্চয়ই সেখানকার মন্দির দেখাবে এবং সেখানকার পরিবেশ দেখাবে, তো সেটা আসলে উনি দেখায়নি, উনি শুধু খাবারের ব্যাপারটা দেখেছে, ওভারঅল তারপরও ভিডিওটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, কারণ কিছু খাবার আসলে দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে মুখে পানি এসে যাওয়ার মতো। অন্য কোনো ভিডিওতে হয়তো বা সে শেয়ার করেছে যে বানারস নিয়ে, এটাতে শুধুমাত্র যেহেতু ফুড রিভিউ নিয়েছে আমাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটা, কারণ খাবারগুলো সবগুলি কিন্তু আকর্ষণীয় ছিল। তো আজকে এই ভিডিওর উপর আমাদের যে রিয়েকশনটি সেটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন।